देख रहे हैं जगत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। धर्मपुरी क्षेत्र में लंबे समय से रेत माफियाओं के द्वारा खुलेआम नर्मदा नदी से अवैध रेत खनन का कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा है और अब एक बार फिर रेत माफियाओं ने लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र बेंट टापू से अवैध खनन का कार्य शुरू कर दिया है, जिससे हिंदू समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। क्षेत्र में दिन रात रेत माफिया कहीं मशीनों के माध्यम से तो कहीं नाव के जरिए नर्मदा से रेत खनन कर नर्मदा को छल्ली करने का कार्य कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ भारी लोगों के द्वारा ठेके के नाम पर बिना रॉयल्टी के टोकन थमाकर अवैध वसूली भी जोरों से की जा रही है, जिससे रेत माफिया दबंगई के साथ शासन को करोड़ों रुपये का चूना लगा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि रेत खनन करने वालों में ना तो कोई कार्यवाही का डर है और ना ही एनजीटी की रोक का असर। बेखौफ खुलेआम क्षेत्र के निम्बोला, भोगाम, गुलाटी, नागेश्वर, खुजावा, हतनावर सहित अन्य स्थानों से रेत खनन किया जा रहा है। बता दें कि रेत माफियाओं की नजर एक बार फिर धार्मिक बेंट टापू पर जा पहुंची है और खनन किया जा रहा है। लंबे समय शिकायत के बाद भी रेत माफियाओं पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही, तो वहीं नर्मदा से अवैध उत्खनन को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर भी लंबे समय से विरोध कर रही है और हाल ही में मेधा पाटकर ने जिलाधिकारी को लीगल नोटिस जारी कर तत्काल अवैध खनन का कार्य रोकने की मांग की है। तो वहीं धर्मपुरी के स्थानीय जनप्रतिनिधि समाज सेवियों द्वारा भी प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना देकर बेंट टापू से खनन बंद करवाने और खनन करने वालों पर ठोस कार्यवाही की बात कही है। वहीं आम आदमी पार्टी के दिलीप जाट ने रेत माफियाओं को भाजपा समर्थक बताते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। अब देखना होगा कि जिलाधिकारी रेत माफियाओं के खिलाफ क्या कुछ कार्यवाही करते हैं या इसी तरह नर्मदा नदी से अवैध खनन का कार्य किया जाता रहेगा। देखिए रघुनाथ सेन की रिपोर्ट। पिछले 3-4 वर्षों से नर्मदा से भी और बेट संस्थान से भी रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। इस संबंध में नगर के हिंदू समाज ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी बार बार शासन प्रशासन को अवगत कराया है, कई बार ज्ञापन भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, जो कि निश्चित रूप से चिंता का विषय है और निंदनीय भी है। शासन प्रशासन से मांग है कि जनता की आक्रोश पैदा न हो उसके पहले अवैध उत्खनन पर और अवैध उत्खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें, अन्यथा निश्चित रूप से जनता की परीक्षा न लें। निश्चित रूप से धर्मपुरी की और आसपास की हिंदू जनता का स्थानीय बेट संस्थान पर बड़ी आस्था है और निश्चित रूप से किसी रोज ये विद्रोह के रूप में उठेगा। शासन प्रशासन को इस पर अंकुश लगाना चाहिए। चल रहा है उससे नर्मदा बचने वाली नहीं। कुछ सालों में नर्मदा यमुना के जैसे खत्म होने जा रही है और इसका एक मुख्य कारण है अवैध रेत खनन। जो गौण खनिज है उसके ऊपर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, एनजीटी के आदेश है 2012-2013 के, और सरदार सरोवर क्षेत्र के लिए बड़वानी, धार, अलीपुर, खरगोन जिले के लिए कलेक्टर और एसपी जिसमें प्रतिवादी है वो केस हमने उच्च न्यायालय का आदेश है। सरदार सरोवर के अर्जित भूमि कोई का दोहन नहीं चल सकता है, न होटल बन सकता है, वो उसी उद्देश्य के लिए अर्जित की गई है। और 30/5/2017 का आदेश है एनजी भोपाल का, चेक पोस्ट कैसे लगानी है, स्टाफ कैसे बढ़ाना है, कैसे रोकना है, कैसे जब्त करने हैं, ये सब लिखा हुआ होते हुए भी पूरा शासन और प्रशासन जानबूझकर सो रहा है, ऐसा हमारा अनुभव है। और इसीलिए जब जब हम पकड़ने जाते हैं भाग जाते हैं जिनको मालूम होता है कि ये अवैध। और ऐसी स्थिति में आज हमने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के द्वारा लीगल नोटिस सबको तामील की है। वो हर जिले के कलेक्टर, एसपी, मिनरल ऑफिसर, खनिज अधिकारी जिले के और कार्यपालन यंत्री, कार्यपालन यंत्री एनवीडीए के नाम पर ये अर्जित भूमि है। सार्वजनिक संपदा जिनके हाथ में सौंपी गई है वो उस संपदा की बर्बादी को क्या देख नहीं सकते हैं? रेत जब निकलती है तो भू जल चक्र खत्म होकर नदी खत्म होती है, जैसे टीबी ग्रस्त या कैंसर ग्रस्त व्यक्ति होता है वैसे। आज इसलिए बड़वानी पानी के लिए तड़प रही है, वसाहतों में पानी नहीं आ रहा है, ये कितनी शर्मिंदा करने वाली बात है। जो नर्मदा के सपूत रहे हैं, नर्मदा में जिन्होंने जिंदगी बिताई है,
उनके लिए आज पानी नहीं मिल रहा है और कल सिंचाई भी खत्म होने वाली है, मत्स्य व्यवसाय खत्म होने वाला है। तो आज ही ये जागरूक करना जरूरी है। हमारी केस आज भी जबलपुर हाईकोर्ट में लगी है, उसमें ये सभी प्रतिवादी हैं और इसीलिए इनको हमने आज लीगल नोटिस सर्व करके चेतावनी दी है। तत्काल ये अगर रोका नहीं जाएगा तो हम आगे कार्यवाही करे बिना नहीं रहेंगे। आज हमने कुक्षी के SDM कार्यालय, SDOP कार्यालय, खनिज अधिकारी कार्यालय और कार्यपालन यंत्री NVDA कार्यालय के द्वारा जिला स्तर के सभी अधिकारियों को तत्काल ये नोटिस भेजने का काम किया है।